राम राम सा आप सगळ्यां को स्वागत है एशियन सुजला के मायने। और मैं थाने कियो कि मैं एक दिन खेतांग माई जा रहा थाने खेतांग की रौनक दिखासी हूँ। अब थे सोच रहे हो मैं कट बोल रहा हूँ, मैं बाजरी में खड़े हूँ थाने दिख रहे हो को नहीं। चलो मैं मुंडो काट लूँ थाने दर्शन कर आई दूँ। देखो सर बाजरी बहुत जोर की है, देखो क्यों मारी लंबाई 6.25 फुट है। ए बाजरी का सिटा आप देख सको 13-13 फुट का है। हालांकि ये बाजरी ने आपा देसी बाजरी को नहीं कह सका क्योंकि अपनी बाजरी है वह 5-6 फिट की हुई है। लेकिन आजकल कई तरह का बीज चाल गया तो तरह तरह की बाजरी हुए, लंबी लंबी बाजरी हुए, मिनक भी लंबा लंबा उड़ ला गया तो बाजरी लंबी क्यों को नहीं हुए। बाकी मैं बालेरा गांव को थाने दृश्य दिखा रहा हूँ जटे मैं आ बाजरी के छिटा के बीच में खड़े हूँ। जमानो बहुत जोर को है, खूब बिरखा हुई है, भगवान की कृपा रही है। और सावण तो पूरा बरस तो गयो, भादवे के मायने भी चौकी बरसात हुई है। और ओ देखो सीटा देखो कितना लंबा लंबा है, ये देखो। तो ओम जी मारे सागे देखो, ओम जी अठी ना हो, देखो जोरदार सीन देखो अठीक रहो इना हो ना ओम जी ना हो। देखो अब खेतांग मायने कहीं कहीं चीज़ा मिले, देखो थाने दिखाने में थोड़ी दिक्कत है। ओम जी थोड़ा उन्हें सिर को देखो, ओ देखो ओ मतीरियो है। हालांकि ओ जो तो मतीरिया मतीरो कौन केस का ने, लेकिन ओ ही मतीरो बनसी जी। टाबर छोटो सो है धीरे धीरे बढ़े जी, हाँ ये मतीरा काकड़िया भी धीरे धीरे बढ़े। और वास्तव में खेत के मायने आनंद ही अलग है। खेत के माना हो जाए आदमी को जिसर हो जाए क्योंकि चारों तरफ खुली हवा है, हरियाली है, काकड़िया मतीरिया को खानो है, देसी बाजरी की रोटी, राबड़ी लसन की चटनी, एक हवा जाए आदमी को जिसर हो जाए। और आज मैं थाने खेत के माए ले रहा हूँ, मैं बता दूँ सुजानगढ़ हूँ, गोपालपुर आवा गोपालपुर हूँ, बालेरा गाँव है। बालेरा गाँव का एक खेत के मायने मैं खड़े हूँ जट। आप देखो बहुत जोर को जमानो है, बार फिलहाल आप देख रहे हो बड़ी बड़ी बाजरी खड़ी है अटे। अगर गुआर की बात करें वो भी चौक है, मोट आजकल साठी का मोट हुआ है, साठी यानी 2 महीना के बाद 60 दिन हम जगह तैयार हो जाए, बे भी बहुत जोर का। तो ओजूता ही तो जमानो चौक आगे देखो राम जी की इच्छा है क्योंकि किसान के क्या करे कि किसान के जितने बाजरी जी है बा या धान है बोरिया हम भरी जाए जदि मान लीजिए कि खेती होगी, बाकी तरह तरह की परेशानी आवे बी की बात आप आगे करा। ओजू मैं ताने खेत का मायने आगे ले चालू। देखो ऐसा बाजरी यहाँ ली थे कौन देखी ली 15-15 फुट की और देखो 2-2 फुट का सीटा है, पर आदेशी बाजरी को नहीं साची बता दूँ थाने। और ए देखो मैंने बाजरी के मायने कहीं दिखे हैं, देखो हमारा मित्र ओम जी ये काकड़िया सौदा है सा काकड़िया मतीरिया और ला दी जान मनी खाने मिलसी सा। ए देखो आगे आप सगड़ा बाई लाए सागे, ए देखो काचर ला दिया जून ताई तो बड़ो आनंद है खेतों के मायने। वो जू तो मतीरिया दिख रही है सा, हालांकि कई खेतों में मतीरा हो गया लेकिन आ मतीरिया जी की मतीरो बनसी। और देखो गुआर में भी फली लगन लागी है। आप फोटो बहुत फूट की लाग रही है थाने क्योंकि लारे पाड़ियाँ भी है। मैं बालेरा गांव को दृश्य दिखाऊं जो को 3 किलोमीटर यानी एक ओस है डूंगर बालाजी हूँ। और पीछे थे देख को उन्हें देखो ये बालेरा की पाड़ियाँ दिख रही है। हालांकि पाड़ियाँ धीरे धीरे कम होने लागी क्योंकि खनन को काम बहुत ज़्यादा हुआ है, पाड़ा लगभग आधा हूँ ज़्यादा ने तोड़ गए रहे लोग। लेकिन आज सुंदरता है अपनी, सरकार ने थोड़ा ध्यान भी देना चाहिए उन्हें। वो देखो खेत की मैं हमारे ओम जी डूकिया मर सागे वो खेत देखो आप कत्तो जोर का लंबा लंबा देखो ये बाजरी दिख रही है थानी, लंबा लंबा छीटा लाग रहे है। और लारे एक और खेत है जगह देसी बाजरी खड़ी है बटे भी ब्लेयर चाची हूँ और थाने में काकड़िया मतीरिया भी खुआसी हूँ क्योंकि जब खेत का मायने आवे तो आदमी मैंने मन में काकड़िया मतीरिया खाने की जरूरत है और हमारे भी आ रही है मैंने भी खाना है लेकिन पहली खेत जरूर दिखाऊँ थाने। और उन्हें देखो कत्तो फूटरो लागे उधर से और अब के फूटरो मत ही लागे कि बिरखा बहुत जोर की हुई है। और भगवान की कृपा है को जूता ही जमानो बहुत बढ़िया लाग रहे है और अगर यहाँ ही चालू रही और एक बिरखा और होगी तो कह के जो धान है वो मावे लोगों ने लोगों के तो मैं तो बालाजी वहाँ ही प्रार्थना करूँगी क्योंकि आप डूंगर बालाजी के निकड़े कि एक बिरखा और हो जा तो अभी के बाद मैंने बाजरी मोटर मूंगर तीलर घना ही उसी जोर का। चलो खेत में चला पा देखा जमानो क्या है कि वह खेती जोरदार हुए जहाँ किसान के 12 महीना जीवन वालों धान हो जाए। और आप किसानों बात करा कि भाई क्या खेती किए हैं जमानो किए जहाँ किसानों ही कहे कि जीवन वालों धान हो जैसी धान को नहीं हुए सागे सब्जी भी उपजाए। अब थे सोचो कि सब्जी तो हरी रहे महीने 2 महीना लेकिन किसान जगह है वे सब्जी ने सूखा और बनिया ली तैयार कर लिया कि 12 महीना 2 साल तक उसके। देखो मैं थान दिखाऊँ एक गुआर है, देखो गुआर की फली एकदम काची काची गुआर की फली है, इन्हें ये सुखाई है देखो आ सूखिया बाद के मायने देखो इसी वजह से आया लगी देखो आ सूख गया आ फली होगी। अब आ फली 10% की कौन बिगड़ेगी और इन खेत जब साफ करना हुआ तो इन भिजो हुए भिजोता ही पाछी हरी जा तो आ देखो थे ये खेत के मायने बालेरा के मायने इन देखो आ आ फली ने सुखानी घेर दी थोड़ा दिन बाद में सूखिया बाद में यहाँ की जा देखो आ देखो है तो वो सगड़ो जो है नहीं वो सामान
वो भेड़ो कर ले सी किसान तो 12 महीना ताई आज की गुआर की फली की सब्जी खबो के सी। और अपा शेर में भी गिरा अपा खरीद कई बार जाए काकड़ी हो काकड़ी ने भी बिकी जी फाड़िया काट काट अरे मन सुखा देवे बिक माने खटेड़ी भी बन जाओ एक माने। तो खेती के माने जी चीज़ें हैं बेई असली चीज़ें हैं अपा ने। अरे एक चीज़ और बताऊँ आज का जगह खेती मान आप सब्जियाँ खरीदा बे रासायनिक चीज़ों खाद बना रही लेकिन आदेशी हुए जिकी अबार खेत का माने जिकी फलियार हुए नहीं चाहे वह मोट की हो चाहे मूंग की हो चाहे गुआर की हो बे देसी हुए अरे बे अवगुण भी कौन करे तो वो देखो साग तैयार हो रही है 12 महीना को। हाँ देखो बिल्कुल हरी फली है और इन्हें सुखानी गेरी है अरे जिकी सूखी जिकी देखो ए ए ए सुखेड़ी है तीनों चरण दिखाऊँ थाने अरे तैयार है अभी इन्हें पिंपाऊंगा बरक देसी अरे जद फली की सब्जी खाने की इच्छा होगी इन्हें बीजो अरबी के बाद में फली की सब्जी 12 महीना 2 साल 3 साल तक खाबो करसी। बालेरा गांव में रामकरण जी मंडा के खेत के मायने में आयो हूँ और थाने बार दिखाई देखो सा क्या ली तो जोर की खेती है और खेती इतनी बढ़िया है कि जी फले आए बान तोड़ तोड़ सुखेड़ी फिकरण लाग रहे तो वो आनंद है खेतों को। और मैं देखो रामकरण जी आए क्या राम राम सा रामकरण जी राम राम सा राम राम सा और बताओ क्या खेती का दिखे है। बस खेती का ठीक है थोड़ी सी बारिश की तो कमी है बाकी और सब कुछ बढ़िया है। एक बात बताओ किसान की आदत क्यों है वो कदी चौको गन बतावे मैं तो सुनी बरसात घनी है। अजी बरसात की तो पहले तो ठीक ही लेकिन अभी बार का ये है थोड़ा सा 5-10 दिन बारिश की कमी है देखो ये मुरझा रहे हैं चेड़ा चेड़ा तो एक चीज़ देखिए मैं पुराने लोगों को सुनिए कि किसान कदिया को उनका एक बहुत जोरदार है वो थोड़ी घनी कमी बता बोग रहे ताकि राम जी भी की सुन बोग रहे खेती घनी जोर की। अरे देखो एक कह बरसात की कमी है तो मैं तो भगवान प्रार्थना करूँ कि बिरखा हो जा बेगी सी। अच्छा काकड़े मतीरे हुआ कोई नहीं काकड़े मतीरे खूब है साहब काकड़े मतीरे खाओ आप आराम से वाजना शुभ काम है देरी कहेंगे पहली काकड़ियो मतीरे खा लिया पचा ला गए। हाँ आराम से खाओ साहब काकड़ियो मतीरे खाओ और बाजरो देखो ये जेकराना का बाजरा भाया आपने। अच्छा अच्छा और 12-13 फुट हाइट है इनकी बिल्कुल बहुत जोर की हमारों डबल है पूरी और 24 से 25 इंच का सीटा है। अच्छा तो देसी बाजरी थोड़ी है देसो बाजरी देसी बाजरी है जी देसी बाजरी 13 फुट की होगी देसी बाजरी है साहब आप सीटा देख सकते हो जाकर के अंदर। चलो देख दो लियाओ अपने ती देरी कहीं चीज की शुभ काम के मायने नेकीर पूछ पूछ आकावत है तो पहली ओम जी थे ही आजो और अपना काकड़ी मतीरे खोलिया भी बाद में आगे चाला। अबे मैं डिकूं बे काकड़िया मतीरे लेने मायने गेड़े है देखो आ गया ओहो जोरदार ले देखो मतीरो भी बड़े सर है और काकड़ियों जोर को है जो आपने एक काम करो जाना पहली मतीरो फोड़ लिया मीठो और पच काकड़ियों का शाम पहले मतीरो खाओ वाजना ओम जी लो आजो थे आजो हां पहले मतीरो खाओ साहब। अच्छा अच्छा ए मतीरा क्या चोखा है मतीरा एकदम मीठा मतीरा हुआ है। अच्छा मीठा मतीरा हुआ है देसी है सगला देसी मतीरा सब। चलो देखा किस आगे खावा पहले साल एक बाजरा के मायने कोई रासायनिक खाद और कुछ नहीं है हम जैविक खेती करूं मैं। अच्छा अच्छा तो अपने ये मैंने प्लेट लगा रखी है सौर ऊर्जा प्लांट लगा रखी है। अच्छा। तो गोबर की खासी हुई गाय भैंस खूब रखूं और इन वास्ते मैं जैविक खेती करूं। ओहो देखो दार देखो थे देखो सौर ऊर्जा को पूरा लगा रखे हो तो इसके बारे में थोड़ी सी बता दो गवर्नमेंट को योजना के तहत गवर्नमेंट की योजना के तहत है। अच्छा। और करीबन प्लांट 6.5-6 लाख रुपया पड़े 6.5 लाख 6 लाख रुपया। अच्छा। और आप मायने लगभग लाख रुपया लग गया यहाँ मानो 80-90% गवर्नमेंट सब्सिडी देवे। अच्छा अच्छा तो यूँ कतई कती बिजली चाले कती पंखा कूलर या मोटर सारी चीज ही चाल रही हूँ। अच्छा तो आ लमसम यहाँ मानो के 8-10 घंटा बराबर चल जाए गर्मी के टाइम के माइन। अच्छा अच्छा और अच्छे पानी देवे वो ये 5 HP को कनेक्शन है वो। अच्छा अच्छा देखो सरकार की योजना है किसान आगे सौर ऊर्जा का ये प्लांट लगा देवे तो थाने बिजली की जरूरत कौन पड़े यूँ मोटर भी चल जाए 100 काम ही हुए। चलो पहले आगे की बात बाद में करा पहले मैं तो मतीरो खासी हूँ और काकड़ियों खासी हूँ। ओम जी कहीं करो दे वीडियो बनाओ देखो कांटा लाग गया है पेंटा के मायने देखो सा खेतों के मायने तो कांटा ही ला गई फूल को लागे क्योंकि कांटा है नहीं बटी फल है क्यों कांटा बिना की को नहीं कांटा बने नहीं जाए मोटर गुआर बाजरी हुए तो खेता में आया जो हर चीज़ को आनंद ले थोड़ी देर कांटा काट लिया थोड़ी देर के बाद मतीरों काकड़ियों भी मिलसी तो काम तो सगड़ा हुई। देखो सा आपा सेव खावा केड़ा खावा बे आदमी आज का चक्कू बंदा रहा लेकिन खेत को जो पड़े देखो क्या पड़े देखो और देखो आ तुम फोड़ी जाए इन्हें एक कुणी की ठोकी है ठोकता है देखो ओलो ओहो देखो सा पहले वाला सा को निकला है लाल लाल लेकिन ठीक है मीठो बहुत है मीठो है ये जाना देखो वो तो खाया ढा पड़ी सा मीठो हां चल यहां देखो मीठो बहुत है साहब लो ऊपर संभाल के चलो है तो मीठो साहब। हां जी मीठो देखो मतीरो खानो तरीको ही है
पहलो मत रहो हमारे साल को। अरे ओम जी डू क्या मोबाइल है वे आपके मामो जी खेत के बारे में ले रहा है। बड़ो आनंद आ रहा है। हाँ 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 चलो सो मिट गयो खेत का मैं पीरियड को कंटा तो कटिया कंटा बाद में मतीरो खाने को स्वाद ही बड़ो आनंद आवे। देखो पहली जगह मतीरा बाकी गिरी बहुत जोरदार होती एकदम लाल निकलता लेकिन आजकल विषय तो नहीं देखो क्यों टपरे पर मारा ही खाड़ा है वो एकदम लाल होता मतीरो लेकिन अब देखो यहाँ लो निकले लेकिन देखो देसी है जो कहीं का आजकल जमीन आप पहले सीरी को नहीं मिने की बिछा पहले जिसे कौन दिया फल बिछा कटू रहे सीसा ओम जाओ थे खाओ कहीं ओम जी आनंद आ रहे हो ये बहुत जोर देखो धन्यवाद दियो थाने के दे ले रहे हो मामू जी धन्यवाद गंगो भाई जी धन्यवाद तो थे कर दिया यार बढ़िया मतील ले खवा दी थाने और खवा दी बढ़िया तो रोजीना ही खाओ सा हां सही यार थाने खवा दी मतील ले मैं तो हमेशा ही खाओ मतील ले बिल्कुल बिल्कुल और ले लो मारो सड़गो ले देखो पानी खाया बाद का मायने देखो पानी बने नहीं बो यहाँ पी जाए बहुत बोर का शरबत फेल है सगड़ा अरे जगह बीज है नहीं है जगह मैं फेंका ए बीज अगले साल उग जाए सीटे बस अंकुरित हो जैसी हां बिल्कुल बिल्कुल गमाई जा की कोनी कोई चीज कोन गमाई जा खेता गमाई ने आ तो आनंद आ गयो साहब लाले 15-20 दिनों गांव में खूब फिरया ए जगह अपने लोक देवताओं का मंदिर का दर्शन कराया हर की थकेलो आ गयो लेकिन आज ये ककड़िया मंदिर घणो थकेलो सो भाग्यो बहुत आनंद आ रियो है बालेरा गांव को दृश्य ऐसा हो सुजान करते तहसील में अरे खेत का मायने बैठ ककड़िया मती खाने को बहुत आनंद आवे। देखो गांव में आवाजा कति मनुआर हुए दादी जी देखो ककड़िया एकदम छोत छोत खोवे अंधा शेर का आदमी ही खावे गाँव वाला तो फोड़ियो और सीधो खावे लेकिन शेर का आदमी की मनुआर थोड़ी सावल करी से देखो ककड़ियों छोत रहे मतीरो तो खा लियो ककड़ियों भी खासियाँ रामकण जी मंडा की माता जी नानी देवी जी है जगह देखो ककड़ियों छोत रहे मारता है शेर के मायने आदमी मीठो खावे मीठे के ऊपर चरको खावे भाई गुलाब जामुन खावे रसगुल्लो खावे जहाँ पर ऊपर भुजिया चीज़ है चबीनी चीज़ है कचोरी चीज़ है समोसो चीज़ है तो अपाठ खेत के मायने आवे जहाँ मीठो मतीरो खावानी जहाँ ऊपर की चरको या खाटो चीज़ है अरे भाई देखो बढ़िया लून लगा और शानदार काकड़ियों बना रहे देखो समोसा पहले के साथ और पचे दादी जी आपके हाथ ही देखो एकदम छोलर दिए तो एको भी आने ले लिया मैं भी ककड़ी को शौकीन ज्यादा हूँ मतीरे नाम ज्यादा ककड़ी चोक लाए बहुत स्वाद है। अब देखो मैं बता ही सकूँ किसी को गए असली स्वाद तो थे खाओ जहाँ ठा पड़ी पर मैं थाने बताऊँ कि ककड़ियों खाओ जरूर ककड़िया बाजार में भी आने ला गया खेतों का देसी ककड़िया है और बहुत जोरदार है क्योंकि सब्जी मंडी का माई जगह आवे नहीं बे जगह सिंचाई का आवे अरे के दे सा देसी है अजी रासायनिक खाद दीड़ आवे हाँ, सब्जी मंडी में जगह सिकर साइड चो जको भी माल आ रियो है हाँ, वो पूरो रासायनिक खाद दीड़ो आवे अच्छा अच्छा वो ये गोबर की खाद को है वो और बारिश को पानी है इन वास्ते वो तो स्वादिष्ट और मीठा होने को मुख्य जरिए एक ही है इनको बिल्कुल साहब स्वाद बहुत है थे लियो तो बस मनी में गो हां हां लियो आप लियो आप लियो आप लियो ले बणो बणो तो कोड करी सी भाई लेकिन भाणो कैमरो चला रहे चिंता मत करो भाणो भूखो कौन का डाबा भाणो नहीं खवा जा काकड़ियो बहुत आनंद आवे केबत में यहाँ लड़े कर ले ले काकड़ियो वो काकड़ियो ही ले जाए लो आम जी आजो देखा लो कैमरो रख दो अगर देखो ऐसा भाणो की भी खातरी होनी जरूरी है देखो मामो जी कता कोड करे बाणिए का बहुत बढ़िया आदमी है ओम जी मारो बाइलो है अरे गोपालपुरा गए कने बाले रखा कने और अट खेत का मायना आया बड़ो आनंद आ रहा है आज वास्तव में बाणियन दही बाटिए की जगह काकड़ियो खवा हां अबार तो साव रुताई है हां बिया बाजरी रोटियां तैयार होली हां क्यों जी मैं भी ना मैं जाऊंगा नहीं बाजरी की रोटी कुवारफली को साग अच्छा तैयारी है साहब वाज ना जा ठीक है वाह जा दही रोटियो खाई शाम पछ खेत के बीच
इसके मायने में खड़े हूँ और बाजरी बहुत बढ़िया है। देखो मैं थान दिखा दूँ, देखो सीटो बाजरी को, और एक ऊपर देखो कवरे हुए, भगवान हर चीज़ की रक्षा करे। और आ सीटा के मायने हूँ बाजरी निकले जिकी बोरियां के मायने भरी जाए। और आप सुना कोई कहे हमारे 50 मन हुई है, कोई कहे हमारे 60 मन हुई है, कोई कहे 100 मन हुई है, कोई कहे 200 मन हुई है। और उम्मीद आए कह के बहुत जोरदार सी। अब देखो पूरी बाजरी बहुत जोरदार है। देखो सीटा ओम जी कन्ना आपने दिखाऊँ, देखो देखो कन्नो कन्नू दिखाओ ओम जी। अरे देखो एक मायने ये देखो बाजरी एकदम साफ देख सका। शुरुआत का मायने ऊपर हो देखो वो बुरा दू साहिब को दिखे, ताकि जिनावरान दिखे नहीं, भगवान हर चीज़ की रक्षा करे। वो क्यों है पहली शुरुआत में कह जूँ ही बाजरी निकलने लगे ये पर वो कवर भगवान लगा दे ताकि जिनाराम लगे नहीं। और अब आप जूँ ही बाजरी पाच की देखो आसली पकड़ने के बाद में एकदम बाजरी दिखे एक मायने। और आप देख सको पूरी खेत का मायने बाजरी चारों में नजर आ रही है। और मैं पक्की कह सकूँ कि अगर बिरखा हो जा तो बहुत जोरदार बात है, बिरखा नहीं हुआ तो ये खेत का मायने बाजरी चौखी उसी, क्योंकि जमानो आपके बहुत जोर को है। सावन खूब बरसो, भादवा में भी एक दो बिरखा होगी। हालांकि ये बार बे मंडा जी बता रहे हैं कि एक बिरखा की जरूरत है ताकि जो को गुआर मोट रहे नहीं, हालांकि मोट भी साठी का मोट है जगह जैसी, लेकिन गुआरा ने बिरखा की जरूरत है। लेकिन आज की खेती आप देख रहे हो बहुत जोरदार है। ये खेत में खाली बाजरी गुआर मोट को नहीं, तिल भी बाढ़ है। देखो वो तिल दिखाऊँ थाने, वो तिल है ये देखो, ये तिल का जगह, क्योंकि बाजरी के बीच में ही बाई जाए तिल। और जगह जगह देखो बीच में बाजरी का जो तिल का बुंटा दिख रहा है एक मायने देखो तिल है। ये सूख जैसी बिग बाद के मायने आने झटका रहा तिल गाड़ ले सी। और अब आप आगे चाल आ जटे, क्योंकि बाजरी अलग बाई जाए, जो को गुआर है बिन अलग बाई जाए, मोट ना अलग बाई जाए, अलग अलग क्यारिया बनाई जाए। और ये पूरे क्षेत्र के मायने थे देखो लारे, देखो पाड़ियाँ दिख रही है चारों मेर, ए बालेरा की डूंगर की पाड़ियाँ थे देख रहे हो। खेत बहुत सुंदर लाग रहे हो क्योंकि खेतों की जी की श्रृंगार है बे, ए बाजरी है मोट है गुआर वो है यदि खेत फूटना लगे। और जो ये खेती हुई सी दिवाली बाद का मायने पाँच आठ रेत दिखने लाग जी सी, लेकिन अब बार जो सुंदरता है खेतों की बात देखने नहीं बन रही है। और आज खेतंग मारा बड़ो जिसोर हो रही है हमारे। अब थे सोचो कि ककड़ियार मतीरियार है जगह की बेला न्यारी अलग बाइज है, एक बाजरी का गुआर का मायने काकड़िया बाइज है। देखो मैंने एक वो काकड़ियों दिख रही है देखो, अरे आ बेल है अरे इका देखो ओम जी दिखाओ, देखो कत्तो पीड़ो एकदम सुंदर फूट रो देखो काकड़ियों है। अरे आगे बीच में देखो टिंडियाँ भी लाग रही है, मतीरियाँ भी लाग रही है देखो, ए देखो अदू छोटी छोटे है देखो, ऐसा देख सको ओम जी दिखाओ देखो ये बेला है अंग मायने देखो, ए पिंडसी मतीरी मतलब ये सब्जियां देसी सब्जियां देखो ए लाग रही है सारू में। अरे मती ओ काकड़ी तो मैं लेर जासी हूं ए ए देखो इन तोड़ लियो के जोर को ओ काकड़ी मन लेर ही जानो है क्योंकि एकदम पीड़ो है और मीठो निकली गारंटी है बात की। और यार देखो ए देखो मारे सगबाही लाड़ा देखो वे भी एक काकड़ी लियो देखो इना उना उना देखो ए देखो छोटो सो लेकिन वो भी मीठो निकले ए जगह गोल काकड़िया हुए नी आंको स्वाद कहीं ना साथ आंको नाम विक्रम सिंह है। क्या बात है विक्रम सिंह जी, जिस माना पूछो ना जिसोरो तो हर साल ये अड्डी चौमासो को बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा थाने क्या जमानो क्या लाग रहे थाने? अजगर साहब बहुत बढ़िया जमानो है, इस जमानो काफी पिछले 5-7 सालों को नहीं निकले सही बात बिल्कुल। और बहुत लंबा टाइम बहुत अच्छा जमानो हुआ है, अब एक लास्ट एक बारी इसकी कमी है हल्की सी एक बार हो जाए तो शानदार जमाना हो जाए। बिल्कुल विक्रम सिंह जी आई बात कह रहे हैं कि एक बिरखा और हो जाने तो बहुत जोरदार। और मैं तो बालाजी महाराज प्रार्थना करूँ क्योंकि देखो लारे डूंगर पर बालाजी विराजमान है तो बिरखा जरूर उसी में उम्मीद है, क्योंकि भादवे के मायने बिरखा व्या करे सावन में खूब हुई है तो भादवे की एक बिरखा मैं तो बाबा में प्रार्थना करूँ एक बिरखा हो जाए ताकि ककड़िया मतीरिया मैंने खूब मिले खाने और खूब बोरिया भरीज भरीज बाजरी गुआर मोट तिल सगड़ो हुए ताकि, क्योंकि किसान ना के लारे जमानो जोरदार उसी तो दिवाली की रौनक हुई, अगर खेतांग मायने बाजरी धान नहीं हुई तो बाजारा के मायने रौनक भी कोनी किसाना का लारे सो क्यों है। और अब के जमानो चौक हुए तो आपने अगला 12 महीना बहुत जोरदार है। ओम जी भी कम नहीं है देखो, दे सो क्यों दिखा रहे ये हमारा जूता देखो, वो जूताओं को श्रृंगार है ऐसा देखो है कांटा हूँ देखो पेंट जूता से भरे है लेकिन आंखों भी अलग आनंद है। हाँ अब देखो गेलो देखो उन्दे अपार में बाजरी वो निकल गया और उन्ने चला देखो अठीने गुआर लगाड़ है मोट लगाड़ है आओ आगे चला थाने अब दिखाऊँ गुआर क्या आंकलो है। गुआर के मायने मैं थाने पछे ले जाऊँ, पहले मैं तिलांग में ले थाने देखो और तिलांग की फसल बहुत जोरदार है देखो ये जगह दौड़ा दौड़ा दिखे ना थाने ये देखो ए फूल है जब मैं थाने कहेंगे वो फूल कांटा हुए जदि फल हुए ऐसा और ये फूल है जहाँ आप फूल के जगह पछे वो जो नहीं वो धीरे 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 ए देखो ए निकल जी सी। और आगे मायने पचे तिल तिल का भाव भी बहुत जोरदार है और देखो सा तिलों को तेल तो बहुत बढ़िया रहे कह कह सियाड़े के मायने तिलों को तेल 5-4 किलो आदमी खा लिया तो की कौन बिगड़े। हालांकि आज का लोग तिलों को तेल खावे को नहीं, आपने आदत तो जो नकली घी खाने की बन गई क्योंकि नकली अड़ंगो है, लेकिन तिल को तेल अगर 5-4 किलो आदमी सियाड़े के मायने खा ले
तो भी का गोडा एकदम मजबूत रहे है, पर खावे को ना आजकल भावे भी कोनी। लेकिन देखो पूरा जो वो तिल है सड़ा चारों में देख रहे हो, तिला की खेती बहुत जोरदार है। हाँ सही खेती बड़ी ऐसा, मैं तो आई चाहूँ का एक बिरखा हुई जावे तो वास्तव में तिल बहुत जोरदार है। और मैंने बार में भाई जी बताया कि तिला तेल बहुत बढ़िया रहे, तो मैं भी सोचूँ पाँच नहीं किलो तो किलो खाण तो मैं खाई हूँ। डूंगर बालाजी को क्षेत्र आप देखो, लारे पहाड़ियाँ सगड़ी दिख रही है, और एक बहुत सुंदर झोंपड़ी दिखाऊँ मैं था देखो, आ देखो आज झोंपड़ी बनाई रही है। और खेतों के मायने झोंपड़ा घनी देखा पाए, लेकिन इन जगह तरीकों बनाई रही है। देखो ऊपर जी की प्लास्टिक की जी डोरियाँ वगैरह लगा, अरे इन बहुत सोहनी बनाई है। और झोंपड़ी का मायने काकड़िया मतीरिया कैसा पड़े है, मन तो यहाँ लगे मारता ही बेड़ा करे है, क्योंकि मारो खाली तो मैं जाऊँगा नहीं। देखो दिखाऊँ, देखो ओम जी, ए देखो सा तीन तो चौका चौका मतीरा है, काकड़िया का ढीला लाग रहे है। और बहुत है मतलब अपार किसान टाइम को नहीं, क्योंकि अपार जो समय वो खेती पर ध्यान देने को है। और थोड़ा दिन बाद मैं छोटी छोटी टींडी से मतीरा दिखाई, बे बड़ी जी सी बे मतीरा बन सी, और वो जो भी देख लो वही खेत का मायने कासा काकड़िया मतीरा हो चुके हैं। मैं एक सच्ची बात बताऊं, वहां बिरखा हुआ जी की भगवान खाली मिन खाता ही कौन करे, जिन्नावर आता ही करे। मैंने तो खरीद रहे सो क्यों खरीद ले सके खास के जिम सके, लेकिन ये जिन्नावर जगह है नहीं, आ के लिए भगवान ज्यादा सोचा है क्यों ये खरीद कौन सके। और अब आ रहा देखो ऐदा वो दादी जी आ रहे, एक भैंसा ने चरा रहे, गाया भैंसा ताए तो घास उग गयो के छह महीना ताए खूब आराम खाई। दादी जी राम राम, आगे थोड़ी सी बात करा था हूँ। हाँ राम राम सर, राम राम सर, का नाम दादी जी आपको? नाम छोटू है। छोटू क्या ले गया बिरखा पानी किसी के? छोटी है भाई, अब कई 15-20 दिन या बिरखा कोई नहीं हो रहा, ता दिन घणो बरसो। अच्छा जमानो क्या ठीक है? हाँ जमानो ठीक है, घणो जोर को भागत है खेत के मारे, घणो जोर को लगे यहां के। अच्छा गाय भैंसा कती का अपने दिनों को तो गए? तो दिनों को होता ही है। अच्छा अच्छा, तो भैंस दूध है के बार? अब दूध को नहीं दिवाली में रही है। अच्छा अच्छा, तो अब आ रोज हो रियो घास खाई मु बिन दूध आगे चो खोसी? हां के चो पर हुई मर गया हुई। हां हां, चो की चरीने चो को हुई। हां हां, क्या टाटा ही रही है घोड़ तो ये बात। अच्छा अच्छा, और काकड़िया मतीरा होया के? काकड़िया मतीरा घणाई भाई, खाना वाला तो घणाई यहां के। और आप खाई खनो की माता ही गाल छोगे? हां ले जाओ मेरा कडाल बड़े ले जाओ। कोई और देखो पहली मारी सुनेड़ी ऐसा हर बात, किसान खेत हल चलाने पहली भगवान को प्रार्थना करता, पहलो हल चाल तो जाके तो भगवान माताएं दई ई गेले उंज का मिनख लिखे बांताई दई जिनावर का भाग को दई, मतलब स के भाग को मांगता। आजकल तो कौन हो, आजकल लोग बेचन लाग गया, पहली का जगह किसान आबे काकड़िया मती दादी से एक बेचता कोनी पहली? हां पहले बेचता भाई, अब सब की बेचा लगा, पहले क्यों कौन बेचता? हां हां, अब काकड़िया मती रिया दो देने सब की बेचे, मैं तो भाई मांगी थी कि मैं बेचियो कोनी ना ले हूं। अरे बेचता नहीं जा घणो तो नहीं। हां मैं सब सी खेत कमा मार भाई 12 महीना डेढ़ बजे तो अब गई घणो हुआ था ने, अब कैसा कुंड करा ली ने दम धान गुणी जोर को है। अरे वो टाबरियो देखो देखो, आपकी आपके वजन तो बड़ा मतीरो ले रहा है क्या जाए अबे डाले रे थे खाली ली दादा ले आओ। देखो दादी जी मन दे दियो, गिफ्ट दे दियो सा दादी जी एक मतीरो को, लो चलो आगे चला हम घंटा खांडू खेत कमाने फिर धन का सा भेड़ो कर लियो। देखो एक तो मतीरो दो काकड़ी आए, और एक मतीरो एक काकड़ी हो, और की पांच चार ओम जी भेड़ा कर रहे के, तो मैं तो बोरी भर काकड़िया मतीरा ले जा छु आज। और देखो ये जगह आंग ने मतीरा काकड़ी है ये बहुत जोरदार है, एक मैं घर ले जी छु नी तो घरड़ा भी राजी हुई सी। खेत माने ने की मिले ही है कह फिरे जो को चरे तो मैं फिर तो मैं चर भी छू। देखो खेतों का सीन, दादी जी भैंसा ने पाड़ी ने चरावे सा, देखो जिनावर आता है घणो ही घास हुए। अब शाम को टाइम है सगड़ा घर घर जा रहे और जाता गाय बकरियां ताई घास फूस भी ले जावे। खेत में कस आगे मैं थाली अब थान दिखाऊ गुआर देखो, और गुआर की तो बात ही गाय को देखो हमारी सेवा छह फिट लंबाई है, और वो गुआर देख लो एकदम हमारे बराबर को है। और एक मायने देखो दो जो ये जगह लाग रहे है, मतलब गुआर की फली कटकड़ी तो निकली किस को निकले देखो 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 ओम जी अटले अटले देखो 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 खड़े हो आप अभी हमें बताइए ना बार सवा हमारी लंबाई ज्यादा है, और ओम जी कन कर देखो ये देखो ये फली लाग गई सर। अब काची काची फली है नी आ तो बार सब्जी कर लेवा, और अगर पकेड़ी सब्जी की फली करा तो बिन के बुज्जी बुज्जी थांगी सगला खाड़ी है, बी में जगह बीज मोटा हो जाए बिक बाद में बा बुज्जी बन जावे, हालांकि सगला ने कौन भाव क्योंकि बी में धागा सा निकले। लेकिन कच्ची जी की गुआर की फली अभी की सब्जी बहुत जोरदार हुए, और देखो गुआर बहुत बढ़िया एकदम खेतों के मायने, और मोठ भी लाग रहे तिल में थान दिखाई दिया। तो कुल मिलार मैं थाना कहना चाहूँ कि खेती बहुत जोरदार है, भगवान की कृपा है, धान खूब उसी और एक बिरखा और उजा जना तो कह के धान मावी को नहीं, तो मैं बालाजी महाराज वहाँ प्रार्थना करूँ कि खूब बढ़िया एक बरसात हुई जावे,
ताकि किसान के एक साल को नहीं चार साल को धान हो जाए, ताकि किसान दुख नहीं पावे। क्योंकि आज सरकार की जो योजना है नी, वे कर्मचारियों के लिए है। कोई ने TADA मिल जाए, कोई ने सातवों वेतन आयोग, कोई ने छठों वेतन आयोग। किसान के लिए सरकार एक ऋण माफी की घोषणा करी भाई पूरी कोई नहीं, तो किसानों के लिए बहुत जरूरी। भगवान ही सुने किसान की, दूसरों कोई कौन सुने। मैं पक्की कह रही हूँ थाने, तो मैं भगवान को प्रार्थना करूँ, भगवान किसान की थे सुनो। नेता कौन सुन सके, अने नेतों की पेंशन मिले, नया कोई TADA मिले। आज की खेती है ये कोई भरोसों को ना जगदी ने बाजरे का बाजरी मोर मोट जगह बोरिया में भरी जानी। जदि मान लीजिए कि फसल जोर की होने कड़ाई तो कातरो जा, कड़ाई कोई हवा माड़ी चाल जा, कड़ाई बिरखा की कम हो जा, तो की भरोसों को ना किसान के किसी की। लेकिन फिलहाल बहुत जोरदार खेती है, भगवान प्रार्थना करूँगी एक बिरखा हो जा तो बहुत जोरदार जमन हो और अपना किसान राजी हुए और अपने देश को अपने राजस्थान को विकास हुए। आज को कार्यक्रम बड़ा बड़ो आनंद आयो। हमारे साथ ओम जी डुकिया हमारा बैल है बे यार, बे हमारे साथ खूब आनंद भी लियो। आओ नाम ही ओम जी डुकिया है, कोई डुका डाका मारे को नहीं है, बड़ा बड़ा सीधा साधा आदमी है और बड़ो आनंद आगे सगायो। अरे ये भी खेती कर रखी है, ये भी कह जमानो बहुत जोर को है, तो आगे लिए भी काम न करूँ। ये गोपालपुरा की सरकारी जिसकी चिकित्सालय भी मैंने काम करे, मारे निवेदन पर आया है ताकि बढ़िया कैमरों चलाए ताकि मारो प्रोग्राम बहुत फूटरो बने। SCN सुधा के लिए मैं शिव कुमार तिवाड़ी, मारा भाई ला ओम जी डुकिया के सागे था सकड़ा को बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब।